तो ये है हमारा ब्लूटूथ, बाहर से ऑक्स लगती है और उसका जो साउंड नहीं आ पाता। पूरा शोल्डरिंग करने के बाद आपकी चिप कुछ ऐसे लगती है, जो वायरिंग इस पे लगी हुई है। 10 मिनट में आपका पूरा ब्लूटूथ लग के तैयार हो चुका है। रात को ये यहाँ पे बारिश, पूरा रोड गीला है भाई। रात को बादल जो गरजे ना, उन्होंने पूरा फील दिला दिया। निकाल के पता क्यों रखा है, ये बना हुआ लकड़ी का और ये इतना गंदा साउंड कर रहा है ना। और ये रखे अपने दो हॉर्न और गाड़ी की आज देखना भाई हालत। आज मैंने गाड़ी बिल्कुल भी साफ नहीं करी क्योंकि भाई पूरी गाड़ी गीली है। तो भाई साफ करने का फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि अभी जिस एरिया से मैं जाऊंगा ना, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ और गाड़ी ना पूरी तरह से फिर से खराब हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। ओ हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू रैम्बलिंग बाउंड्रीज। तो एक अलग सी सुबह भाई, अलग इसलिए क्योंकि आज लोहड़ी है और साथ में भाई रात को हो चुकी है बारिश। और बारिश के साथ साथ आज आपको दिखाते हैं कि क्या चीज होने वाली है भाई। आज सूर्य देवता ने दर्शन दिए हैं भाई। इतने दिनों से ना सूरज देवता गायब थे तो फील सा नहीं आ रहा था, अब सूरज जी आए हुए हैं तो भाई देखो हर जगह से रोशनी ही रोशनी आ रही है। अरे वाह, ये जो आप चीज देख रहे हो ना, आज हम इसका काम करवाने वाले हैं। इसमें फिट करवाएंगे हम ब्लूटूथ। बिल्कुल सही, तो इसमें आज हम ब्लूटूथ फिट कराएंगे और दिखाएंगे आपकी उसकी क्वालिटी कैसी रहती है। गाड़ी मोड़ना मतलब थोड़ा सा ना, अब नीचे ना पूरा गाय 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 भैंसे बांधी होती है उन्होंने। अगर पीछे एक स्पोर्ट सी ना हो ना तो सीधा मेरी गाड़ी नीचे मिलेगी गाय भैंसों के साथ घास चढ़ती हुई। ओ भाई देखो धूप के मजे लेता हुआ, भाई तेरे मजे हैं ब्रो, एंजॉय कर भाई। तो आज बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही, इवन मैंने जैकेट पहन के रखी है ना, मुझे लगता है आज दोपहर तक मुझे जैकेट जो है उतारनी पड़ जाएगी। कि लोहड़ी होती है ना, तो लोहड़ी वाले दिन जो है मॉर्निंग में किसे नहाते हैं, ठंडे पानी से। और अब जो पानी आता है ना भाई, वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है मतलब नेचुरली। आज लग गई वाट भाई, आज यहाँ पे ना एक कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ लोगों के घरों में, तो आज मेरी गाड़ी आगे नहीं जा पाएगी, इसलिए मुझे फिर से घूम के जाना पड़ेगा यार। रोड की कंडीशन देख रहे हो भाई, हर जगह कीचड़ ही कीचड़, वो भी बेकॉफ तरीके से। ओ भाई आगे ना वो धंस गया है पूरा ट्रक, ऐसे 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 नाच रही है यहाँ पे, जैसे बर्फ में चलती है ना वैसा। सुनो कफील यही प्यारा भाई कीचड़ में, कोई चक्कर नहीं है। ओ शिट मैन, गाड़ी लगी साइड में यार, जो इसकी पाइप ऐसे नहीं है वो इसकी नीचे लग गई। बट इसका एडवांटेज भी है भाई, पता चल जाता है कि आपकी गाड़ी कहाँ टच हो रही है कहाँ नहीं। चलो भैया जी, देखा भाई ये तो पलटने से बचा है बाल बाल यार, उस खड्डे में जाकर के ये दंस चुका है। तो नहीं होता ठीक भाई, कम से कम महीना लगा लो आप तो मिलेगा भाई। ऑफ रोडिंग, हर जगह ऑफ रोडिंग भाई, मजा ही आ गया, इसलिए मैं गाड़ी धो नहीं रहा था। कचरे वाले आए आज, कचरा फेंका नहीं तो। ओ भाई साहब, अगर इनके साथ थोड़ा सा भी पंगा हो जाए ना, सबसे खतरनाक होते भाई बंदर, थोड़ा सा पंगा हो गया ना तो बस, अगर एक बार काट लिया इन्होंने फिर सोच लो आप क्या होगा। बच्चे भी हैं बंदरों के, ये क्या है कि यहाँ पे जो लोकल होते हैं और भी लोग रहते हैं तो इनको खाना डालते रहते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है भाई। फाइनली अभी ऑफिस से छुट्टी हुई है और दिन ना बड़े होने लग गए हैं और आज है फेस्टिवल लोहड़ी का। आप सभी को रैम्बलिंग बाउंड्रीज की तरफ से होली तो आप सभी को भाई लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं ब्लूटूथ लगवाने के लिए, जिसका कि काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे थे। हल्की हल्की ना बारिश होना स्टार्ट हो गई, जैसा कि आप मिरर पे देख पा रहे हो। तो आप सभी को एक बार फिर से लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं और भाई लोहड़ी वाले दिन ना सगुन हो चुका है बारिश। भाई देखो ऐसे तो आफ्टर मार्केट बहुत से ब्लूटूथ है तो जो कि भाई इस ऑक्स के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर दिए जाते हैं, बट उनसे ना अच्छा साउंड नहीं आ पाता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसा साउंड आता है अपने इस पे जो इनबिल्ट अंदर इस पे फिट करवाते हैं। तो फिट कैसे होता है वो भी आज आपको पूरा प्रोसीजर दिखाते हैं, वो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन होगी आपको दिखाने के कि भाई कैसे इसमें फिट होता है, आप ये चीजें ना करें अपने घर पे। तो भाई जब भी आप गाड़ी को फर्स्ट क्रैंक करो तो सबसे पहले ना थोड़ा देर के लिए जो फ्यूल पंप है वो पीछे से फ्यूल आगे पहुंचाता है आपके इंजन तक, और उसके बाद अपनी गाड़ी को स्टार्ट करें।
जो काम हम अभी करवाने के लिए जा रहे हैं ना, तो ये हम मॉर्निंग में भी करवा सकते थे, बट क्या है ना भाई, आजकल थोड़ी सी स्टिकनेस ज़्यादा बढ़ गई ऑफिस में, ठीक है। तो 6:14 हो चुके हैं, और प्लस आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जो एम्बियंस लाइट, जो एटमॉस्फियर लाइट हमने इस पर लगवाई हुई है ना भाई, तो ये फील तो अच्छा दे रही है। बट एक और चीज़ है जो कि आपकी तरफ से हमें सुनने को और आपके कमेंट्स में हमें देखने को मिल रहा है, और वो है कि भाई आप इसमें ना एक लाइट लगवाओ, जो कोई एम्बियंस लाइट होती है जो आजकल की गाड़ियों में लग के आती है। तो फिलहाल भाई वो मैं इस पर अभी देख रहा हूँ कि कौन सी बेस्ट है, वो भी इस पर डलवा दूंगा मैं। तो मैं अभी जस्ट मौके की तलाश में हूँ, और जब भी अच्छा मौका मिलेगा तो मैं उसको इंस्टॉल करवा दूंगा। भाई हॉर्न तो बहुत अच्छा है, बट ऑडियंस ना हटती नहीं है भाई, हल्की हल्की बारिश तो स्टार्ट ही हो रखी है। और वो एम्बियंट लाइट मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ लगती है, वो यहाँ पे लगेगी और यहाँ से होती हुई पूरा अपना कंसोल को कवर करेगी। कम से कम बजट में इस पे हम स्क्रीन फिट करवाएंगे, जो कि आपको भी यानी कि फ़ायदा हो जिसमें डलवाने का, ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। आज एक तो लोहड़ी है आए, और देखते अगर भाई नहीं मिला तो हमारा पोपट हो जाएगा। कोई भी त्यौहार हो आपको मनी माजरा में भीड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ कैसे हो? सब बढ़िया। कहाँ लगाएं गाड़ी? उधर ही लगा लेते हैं। चलो आ जाओ, अपने औजार ले आओ सारे। तो भाई बोला कैमरा तैयार कर लो। तो गाड़ी को हम आगे लगा करके आएंगे, ताकि जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस रहता है। यहाँ पे ना गाड़ियाँ बहुत आती जाती रहती हैं, जैसे कि आप मेरे दाएं बाएं देख पा रहे हो यहाँ। ओ भाई देखना भाई, छील मत देना भाई, साइकिल वाले का कुछ नहीं जाएगा, और मेरा जो स्क्रैच पड़ेंगे ना वो दिल पे पड़ जाएंगे जख्म, क्यों अमित? हाँ। यहाँ पे यही रहता है भाई, तो यहाँ पे लगा देते हैं कहीं गाड़ी सेफ जगह में। भाई सेफ यहाँ पे कहीं भी जगह नहीं है यार गाड़ी लगाने की। काफी दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ। अभी ना सारिक भाई इसको अच्छे तरीके से खोलेंगे, और खोलने का तरीका भी भाई इसको बिल्कुल सिंपल सा है। तो भाई ये है इसको खोलने का स्टाइल, ना बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग मिल पाई है, और पार्किंग मिली भी अच्छी जगह पे। यहाँ पे आज ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, पीछे आगे पीछे पीछे अमित बैठा हुआ है। कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको, आपका निपॉन का देखा, मैंने आपको पहले बताया था, स्पेन निपॉन, मारुति निपॉन का ही स्टीरियो प्रोवाइड करवाती है। तो गाड़ी ना भाई अपनी यहाँ पे पार्क हो गई है, और यहाँ पे पार्क होने के बाद भाई की दुकान ना थोड़ा सा आगे है, जो कि आजकल की रिक्वायरमेंट है, हर एक गाड़ी में होना चाहिए। अभी खुलना स्टार्ट हो चुका है हमारा स्टीरियो, और भाई अंदर से मैकेनिज्म, इसमें पता क्या है, सीडी सिस्टम है ये, यहाँ पे तो सीडी रीड होती है, ये है छोटा सा, और यहीं पे कहीं हमारा फिट होगा ब्लूटूथ। इसका ना छोटे छोटे में लगता है क्रैक भी हो रहा है यहाँ से, पुराना हो गया ना, ओल्ड ज्यादा है आपका, 2009 मॉडल है ये। और भाई ना ये कुछ ऐसे रहता है, और जो दूसरा मैं बता रहा था ना, जो बाहर से ऑक्स लगती है और उसका जो साउंड नहीं आ पाता ना, वो यही रीजन रहता है। ये देखो भाई अंदर से पूरा तरह से फिट होएगा, और तो साउंड में भी कोई क्लियरिटी खराब नहीं होगी, और साउंड आपका अच्छे तरह से बनेगा। तो भाई ये जो आप इतनी सी चिप देख पा रहे हो ना, तो ये है हमारा ब्लूटूथ, जो कि फिट होएगा यहाँ पे कहीं पे। तो अभी भाई ने ना वायरिंग यहाँ से कनेक्शन दे दिया है, एक कनेक्शन यहाँ पे हुआ है और दूसरा कनेक्शन हुआ है यहाँ से, और भाई ने ना जो वायरिंग है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ से निकाल रहे हैं, फिर जा करके यहाँ पे इसको कनेक्शन दिया जाएगा, जो हमारी ये चिप है। और ये भाई देखो अंदर से कुछ ऐसा होता है देखने में, आपका म्यूजिक सिस्टम जो स्टॉक म्यूजिक सिस्टम कंपनी से फिट होकर के आता है, और वायरिंग जो है पूरी तरह से निकल चुकी है। अब इस प्रोसीजर को करने में कितना टाइम लगता है वो भी आपको बताते हैं। अभी 6:34 हुए हैं, तकरीबन हमने 20 मिनट भी नहीं हुए यहाँ पे खड़े हुए, और यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन वगैरह दी जा रही है। इसकी ब्लूटूथ की रेंज कितनी होती है लगभग? 5-10 meters। 5-10 meters तो बहुत है गाड़ी में, तो कहाँ दूर भागेंगे भाई। पूरा तरह से यहाँ पे अगर आप ये चिप देख पा रहे हो ना, ये नीचे टेप लगी है डबल साइड, तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर चिप रहेगी, तो यहाँ से ना जो अर्थ वगैरह है ना किसी के ऊपर नहीं जाएगा, मतलब क्या है शॉर्ट सर्किट होने का खतरा कम हो जाएगा। अभी जो है चिप में सोल्डरिंग हो रही है, उसके बाद यहाँ पे इसको रखा जाएगा। तो भाई ये ना पूरा सोल्डरिंग करने के बाद आपकी चिप कुछ ऐसे लगती है, जो वायरिंग इस पर लगी हुई है, और ये डबल टेप जो यहाँ पे लगाई थी ना, इसके ऊपर इसको रख देंगे, हिलने की नहीं है, अब कहीं भी नहीं जाती है। तो ये पूरी तरह से यहाँ पे फिट हो चुकी है, पंजर ऐसा रहता है तामझाम, और इसके ऊपर इसको पूरा तरह से कवर कर दिया गया है, ये होगी पूरी तरह से पैक, छुप गई है, मतलब तैयार हो चुका है, मतलब ब्लूटूथ इसमें लग चुका है, और ये वाला जो पोर्शन है सीडी वाला ये भी इंस्टॉल हो चुका है, ये भी अपने तरह से प्रॉपर वर्क करेगा, और जो वायरिंग है वो इसके नीचे चली गई है। और टाइम आपको अगर मैं बताऊँ, 6:40 तो हार्डली भाई 10 मिनट लगे इसको लगाने के लिए, 10 मिनट में आपका पूरा ब्लूटूथ लग के तैयार हो चुका है। अब आपको गाड़ी में चल के इसकी क्लियरिटी सुनाते हैं कि कैसा आउटपुट देता है, तो फिलहाल आपको दिखाते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आता है भाई। आपको ना ऑक्स मोड अपना ऑन करना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है ये वर्क करता है। ब्लूटूथ ऑन कर लेता हूँ, ब्लूटूथ ओपन कर रहा हूँ मैं अपना। इसका नाम क्या आएगा, ये BTSS बन, तो इसको बिल्कुल आसान है जोड़ना,
हो गया कनेक्ट। अब पता कैसे चलेगा कि हमें कनेक्ट, देखो भाई यहाँ पे आ गया लिख के कनेक्टेड, इसके साथ ही कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इस पर गाना बजाते हैं कि क्या इस पर फील आता है। कहाँ गया मेरा स्पॉटिफाई? ऑक्स भी इस पे इंसर्ट करके ऑक्स भी चल सकती है और ब्लूटूथ भी चलेगा, बट आपको ऑक्स वाला मोड ऑन करना पड़ेगा तभी आपका जो है ब्लूटूथ चलेगा इसमें। इसमें कॉलिंग वगैरह चल पड़ेगी क्या? नहीं, कॉलिंग नहीं है। फिलहाल ना अपना एंटीना और जो भी बूफर की वायरिंग थी वो अच्छी तरह से भाई ने फिट कर दी है, वरना अभी यहाँ से ना टूटा हुआ था तो भाई ने वो भी फिट कर दिया अच्छे तरीके से। जैसे ही आप ऑक्स ऑन करते हो और आपका जो ब्लूटूथ है वो ऑटोमेटिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, जैसा कि अभी मेरा जो है कनेक्ट इसके साथ हो चुका है। अभी अगर मैं गाना चलाऊं, जैसे आप गाड़ी ऑन करोगे वैसे ही आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, बस आपका ब्लूटूथ ऑन होना चाहिए। अगर आपको ये सिस्टम करवाना है तो आप मिल सकते हो सारिक भाई से मनी माजरा में, और कभी भी आ सकते हो भाई। अगर आपने ये सिस्टम करवाना है तो आपको कम से कम 10 से 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट हार्डली, 15 मिनट में आपका म्यूजिक सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा ब्लूटूथ के साथ। क्यों सारिक भाई? एकदम मीन्स आपका चाहे इनबिल्ड प्लेयर है या आपका कोई अदर प्लेयर आपने एजेंसी से अगर डलवाया था सोनी पाइनियर जिसके अंदर आपका ब्लूटूथ नहीं है उसके अंदर भी लग जाएगा। यानी कि आपके पास बस सिस्टम होना चाहिए, ब्लूटूथ आपका लग जाएगा। तो इसमें आपको मैं क्या बताता हूँ कि इसका स्टार्टअप साउंड कैसा आता है और ये कैसा फील देता है अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे। और फिलहाल अभी मैंने लगा दी इस पे चाबी। तो स्टार्टिंग में आपको कुछ इस टाइप का साउंड आएगा, बट ये कोई इरिटेटिंग नॉइस नहीं है, साउंड नहीं है, अच्छा साउंड है, सॉफ्ट सा म्यूजिक बजता है इसमें स्टार्टिंग में। बट ये कि भाई जब भी आप कोई भी ब्लूटूथ लगाते हो तो ये साउंड तो आता ही है भाई, चाहे आप कोई भी ब्लूटूथ ले लो भाई। इसमें क्या रहता है ना, इस पे आपको जो ब्लूटूथ के लिए एक पेन ड्राइव सी भी आती है जो कि आपको कॉस्ट करती है अराउंड 200 250 या 150 रुपए के बीच में। तो यहाँ पे ना पेन ड्राइव लगने का भी कहीं पे सिस्टम नहीं है। मैं चाहता तो इसमें पेन ड्राइव भी लगा सकता था बट मैंने पेन ड्राइव नहीं लगाया, क्योंकि भाई देखो आजकल पेन ड्राइव का जमाना तो है नहीं, और अगर मैं इस पे पेन ड्राइव लगा देता तो उसका कोई यूज तो था नहीं भाई। आजकल सारे स्पॉटिफाई ऑनलाइन ही गाने सुनते हैं, तो इसलिए मैंने इस पे ब्लूटूथ कंसिडर किया। तो हमें ये जो वायर है ना भाई इससे छुटकारा मुझे मिल चुका है, क्योंकि मुझे क्या होता था इस यहाँ पे पहले आपको ये लगाने पड़ती थी ऑक्स। ऑक्स लगाने के बाद मैंने ये स्पेशल एक फोन रखा होता स्पेशली आईफोन 5S जो कि इसमें सिर्फ गाने का काम करता था, इस पे सिर्फ म्यूजिक चलाता था। आपके पास एक आईफोन है और आईफोन में 3.5 mm जैक नहीं है तो आपको दूसरा फोन रखना ही पड़ता है इस पे गाने सुनने के लिए अपनी ए स्टार में। तो आज फिलहाल मैंने ये प्रॉब्लम जो है अपनी सॉल्व कर दी है। और हाँ भाई आपको एक और चीज मैं बता देता हूं इसके साथ, तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी को ऑन करते हो और आपका ब्लूटूथ जस्ट ओपन होना चाहिए, और अगर आपका ब्लूटूथ ओपन है तो आपका जो है आपको मैं दिखा देता हूं ऑटोमेटिकली ये कनेक्ट हो जाता है। अभी जैसे इसमें ये जुड़ चुका है BTSS1 जो कि इसका नाम है, ये कनेक्टेड है अभी इसके साथ, तो आपको बार बार पेयर करने की जरूरत नहीं है। एक बार पेयर किया और आपका जो है ये सिस्टम इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो मैं इसकी एक अपडेट बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिलता है। आप इसमें कॉलिंग नहीं सुन सकते हो अगर आपकी कॉल वगैरह आई हो तो, क्योंकि इसमें माइक वगैरह तो लगा नहीं है भाई, तो इसमें आपको अपनी कॉलिंग नहीं सुन सकते हो। और जो साउंड है मैंने आपको सुना दिया था, इसका साउंड भाई अल्टीमेट क्लियरिटी आ रही है। फिलहाल मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बार फिर से गाना सुना देता हूँ, एक तो ना कॉपीराइट का इशू रहता है, तो जो साउंड मुझे इस ऑक्स के साथ मिल रहा था ना भाई वो सेम क्वालिटी मुझे इसके साथ मिल रही है सुनने के लिए। तो अभी मैंने जस्ट एक गाना प्ले किया है और आप साउंड सुनना, जस्ट मैं थोड़ा थोड़ा कट कर करके आपको इस गाने को सुनाता हूँ। तो भाई म्यूजिक बिल्कुल सेम वैसे चल रहा है जैसा कि हमारी ऑक्स के साथ चलता था, और भाई इतना जो इसका सीडी प्लेयर है ना उसके साथ भी अच्छा साउंड नहीं क्रिएट होता, क्योंकि भाई उसमें आई थिंक 190 kbps सॉन्ग चलते हैं या फिर कुछ और। बट इसमें जो आप ऑनलाइन अगर गाने सुनते हो तो ऑनलाइन गाना सुनना, इसमें क्या होता है ना वॉइस बिल्कुल क्लियर आती है जो गाने की रहती है। आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है और आप उसमें चेंज करना चाहते हो म्यूजिक सिस्टम, तो म्यूजिक सिस्टम क्या भाई अगर आप उसमें थोड़ा सा अपग्रेड करवाना चाहते हो, और इसमें आप अगर अपग्रेड करवाना चाहते हो ब्लूटूथ सिस्टम, तो भाई ये तो हर एक बंदा करवाना चाहता है। तो जैसा कि भाई ने पहले बताया था आपके पास कोई भी गाड़ी रहनी चाहिए भाई जिसमें बस म्यूजिक सिस्टम कंपनी फिटेड होना चाहिए, और अगर उसमें ब्लूटूथ नहीं है तो आपकी गाड़ी में ब्लूटूथ लग सकता है भाई, वो भी महज 400 रुपए में। भाई 400 रुपए में क्या ही आता है, तो 400 रुपए में इसमें म्यूजिक सिस्टम हमारा लग चुका है, मतलब ब्लूटूथ लग चुका है भाई। थोड़ा सा टंग मेरी स्किप कर जाती है, बट 400 रुपए में आपको ब्लूटूथ लग चुका है गाड़ी में, और जो कि भाई साउंड भी अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, अच्छा खासा इसमें साउंड आ रहा है। मैं आपको जब भी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आती है आपके मोबाइल में तो इसमें टन टन बज जाता है, अगर आपको फोन आ रहा होगा तो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा, डिस्प्ले तो नहीं होगा बट आपको
सुनाई देगी रिंग जो आपके फोन में आ रही है, और एक इसका एक स्टार्टअप साउंड है जो कि मैंने आपको सुना दिया कि स्टार्टअप साउंड इसका कैसा आ रहा है। तो ये था भाई आज का वीडियो, ये वीडियो कैसा लगा है तो आप जरूर कमेंट करके बताना। अगर आपको इन फ्यूचर ऐसे ही नए नए अपडेट्स चाहिए तो रैम्बलिंग बाउंड्रीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आज की वीडियो का मैं यहीं पे एंड करता हूं और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग रैम्बलिंग बाउंड्रीज, जय हिंद। जो कि आपको अच्छा फील देगा भाई, अगर आपको लुक अपनी गाड़ी की चेंज नहीं करनी है, स्टॉक सिस्टम के साथ ही आपको ब्लूटूथ का मजा लेना है, तो भाई ये हो चुका है वायर फ्री और ब्लूटूथ इसके अंदर ही जा चुका है।